विराट कोहली फाफ टू प्लेसिस और महिपाल लोमरोर का शानदार इनिंग भी नहीं बजा पाया बेंगलोर की टीम को। दिल्ली कैपिटल की टीम ने बेंगलोर को इस मैच में 7 विकेट से हरा दिया और इसी के साथ विराट कोहली ने आईपीएल में 7000 रन भी पूरा कर लिया। विराट कोहली द रन मशीन ने 7000 रनों का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। ऐसे ही विराट कोहली को रन मशीन नहीं बोला जाता, वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज है, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया बल्लेबाज। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली फाफ डू प्लेसिस को एक बेहतरीन खिलाड़ी समझते हो और विराट कोहली को दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। फिल सॉल्ट मिचेल मार्श के शानदार इनिंग की वजह से दिल्ली कैपिटल ने बेंगलोर को इस मैच में 7 विकेट से हरा दिया। आज आईपीएल का 50वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंज बेंगलोर के बीच खेला गया। रॉयल चैलेंज बेंगलोर के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। होम ग्राउंड पर दिल्ली की टीम पहले गेंदबाजी करेगी। दिल्ली की टीम मुकेश कुमार और मिचेल मार्श की वापसी हुई है। तेज गेंदबाज एंड्रिक नोकिया इस मैच में नहीं खेल रहे। आरसीबी की बात करें तो उसने पहली बार केदार जाधव को मौका दिया है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल के खिलाफ आरसीबी ने मजबूत शुरुआत की है। उसने 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 20 रन बना लिया है। विराट कोहली 16 गेंदों पर 18 और कप्तान फाफ डू प्लेसिस 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर नाबाद है। आपको बता दें दोस्तों की शानदार शुरुआत करते हुए विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ने आतिशी बल्लेबाजी कर आरसीबी की टीम का पावर प्ले समाप्त हो गया। उसने 6 ओवर में बिना किसी नुकसान 51 रन बना लिए। कप्तान फाफ डू प्लेसिस 16 गेंदों में 29 और विराट कोहली 20 गेंदों में 22 रन बनाकर नाबाद है। डू प्लेसिस अपनी पारी में अब तक 4 चौके 1 छक्का लगा, वहीं कोहली के बल्ले से 3 चौके निकले हैं। आरसीबी के पारी 10 ओवर समाप्त हो गए, उसने बिना किसी नुकसान 79 रन बना लिए। आरसीबी कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने 30 गेंदों में 44 बनाकर नाबाद है, उनके 5 चौके और 1 छक्का लगाया। दूसरे छोर पर कोहली 30 गेंदों पर 35 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं, उन्होंने 4 चौके लगाए हैं। दिल्ली कैपिटल के तेज गेंदबाज मिचेल मार्श ने 1 ही ओवर में 2 विकेट हासिल कर लिए हैं। उन्होंने 11वें ओवर की 3री गेंद पर फाफ डू प्लेसिस और 4थी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को आउट कर दिया और हैट्रिक का चांस था। डू प्लेसिस 32 गेंदों में 45 रन बनाकर अक्षर पटेल को कैच थमा बैठे, उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया। अगली ही गेंद पर मार्श ने मैक्सवेल को विकेट कीपर फिल शॉर्ट के हाथों कैच कराया। मार्श ने 1 गेंद का सामना किया, वह खाता भी नहीं खोल पाए। विराट कोहली ने आईपीएल का मौजूदा सीजन में अपना 6ठा अर्धशतक लगाया, वह 42 गेंदों में 50 रन बनाकर नाबाद है। कोहली ने 5 चौके लगाए। महिपाल लोमरोर 15 गेंदों में 29 रन बनाकर क्रीज पर है, उनका 1 चौका और 3 छक्के लगाए। आरसीबी ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 126 रन बना लिया और शानदार लक्ष्य किया और बढ़ रहा है। आरसीबी को तीसरा झटका विराट कोहली के रूप में लगा। कोहली 40 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हो गए। मुकेश कुमार की गेंद पर खलील अहमद ने उनका कैच लिया। विराट ने अपनी पारी में 5 चौके लगाए। आरसीबी ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 137 रन बना लिए। महपाल लोमरोर 17 गेंद पर 34 रन बनाकर नाबाद है। कोहली आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक क्रीज पर आए और बल्लेबाजी करे। आरसीबी के बाएं हाथ के बल्लेबाज महपाल लोमरोर ने तूफानी अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह आईपीएल में उनका पहला अर्धशतक है। आरसीबी ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 172 यानी कि 172 रन बना लिए हैं और लग रहा है कि 190 तक पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों आरसीबी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 181 रन बना लिए। दिल्ली को 182 का मुश्किल लक्ष्य मिला है। बेंगलोर के लिए सबसे ज़्यादा विराट कोहली ने 55 रन बनाए, उनके अलावा महिपाल लोमरोर ने भी 8 शतक लगाए। महिपाल ने 29 गेंदों पर नाबाद 54 रन बनाए, उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए। महिपाल का स्ट्राइक रेट 186-21 रहा। कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने 32 गेंदों 45 रन बनाए। दिनेश कार्तिक ने 11, अनुज रावत ने नाबाद 8 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल खाता भी नहीं खोल पाए। दिल्ली के लिए मिचेल मार्श ने 2 विकेट लिए। खलील अहमद और मुकेश कुमार को 1-1 सफलता मिली। दिल्ली कैपिटल की टीम 182 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी। डेविड वॉर्नर और फिल सॉल्ट का सलामी जोड़ी क्रीज पर आए। 2 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल की टीम ने 17 रन बना लिए। 3 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल की टीम का स्कोर 29 रन जा पहुंचा। आरसीबी की टीम दिल्ली कैपिटल ने आरसीबी के खिलाफ तूफानी शुरुआत की। उसने 5 ओवर में 60 रन बनाकर नाबाद। 6ठे ओवर की पहली गेंद पर टीम को पहला झटका लगा। जोस हेजलवुड ने डेविड वॉर्नर को आउट कर दिया। वॉर्नर 14 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया। वॉर्नर का कैच आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने लिया। उनका आउट होने के बाद मिचेल मार्श क्रीज पर आए। दिल्ली ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 70 रन बना लिए। फिल सॉल्ट ने 17 गेंदों में 35 और मिचेल मार्श पर 5 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद। दिल्ली कैपिटल के ओपनर बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर करण शर्मा को चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। दिल्ली ने 9 ओवर में 1 विकेट पर 102 रन बना लिए। फिल सॉल्ट 53, मिचेल मार्श 20 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर है और डेविड वॉर्नर आउट हो चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों कि आरसीबी को दूसरी सफलता हार्दिक पटेल ने दिलाई। उन्होंने 11वें ओवर की 3री गेंद पर मिचेल मार्श को आउट कर दिया। मार्श ने 17 गेंदों पर 26 रन
रन का महपाल लोमरूर को कैच थमा बैठे। आरसीबी ने 11 ओवर में 2 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। फिलिप फिलसॉल्ट 32 गेंदों पर 64 और रिली रूसोल 3 गेंद पर 4 रन बनाकर नाबाद है। रिली रूसोल आज शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल ने आरसीबी को 7 विकेट से हराकर सीजन में 4थी जीत हासिल की है। इस जीत के साथ दिल्ली की टीम अंक तालिका में 10वें से 9वें स्थान पर आ गई है। दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 5वीं हार का सामना करना पड़ा है। 10 मैच में उसने 10 अंक है और 5वें पायदान पर काबिज है। दिल्ली को अपना अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ 10 मई को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेलना है। दूसरी ओर आरसीबी की टीम को 9 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ उतरेगी। आरसीबी कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। बेंगलोर 20 ओवर में 4 विकेट पर 181 रन का विशाल लक्ष्य बनाया था। दिल्ली की टीम ने 16.4 ओवर में 3 विकेट पर 187 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। दिल्ली ने इस मैच में फिलिप सॉल्ट ने मैच जिताओ पारी खेली। उन्होंने 45 गेंदों में 87 रनों की पारी खेली। इस दौरान 8 चौके और 1 छक्के लगाए। रिली रूसो ने 25 गेंदों पर नापाद 35 रन। मिचेल मार्श ने 26 और डेविड वार्नर 22 रन का योगदान दिया। अक्षर पटेल ने नाबाद 8 रन बनाए। सैजलवुड महिपाल लोमरो हर्षल पटेल को एक एक सफलता मिली। दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।